वर्सेस अफगानिस्तान के दूसरे टी20 के मुकाबले में 158 रनों से जीत लिया भारतीयों ने दूसरा टी20 का मुकाबला। इतनी घातक विस्फोटक तरीके से विराट कोहली ने आते ही दूसरे टी20 के मुकाबले में बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों धोने में। आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के आगे पानी भरते हुए नजर आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिंकू सिंह और यहां पर दुबे ने कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज विराट कोहली और रिंकू सिंह के आगे पानी भरता हुआ नजर आया। लेकिन आखिरी ओवर में तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान टी20 का दूसरा मुकाबला जीत कर ले जाएगी, क्योंकि यहां पर आखिरी मुकाबले में ऐसा रोमांचक मुकाबला हो गया था जिसको देखकर आपकी भी एक बार रूह खड़ी हो जाएगी और आप भी दिल से रिंकू सिंह और विराट कोहली को सलाम ठोकेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए काफी बड़े स्कोर की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ने ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की उसे एक ओवर में मुकाबले को पलट डाला और अफगानिस्तान की झोली में जो मुकाबला चला गया था जीता हुआ, उस मुकाबले को किस तरीके से वो वापस भारतीय टीम की झोली में लाए, पूरा का पूरा आपको लाइव हाईलाइट दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना, और पूरा का पूरा हाईलाइट दूसरे टी20 का मुकाबला देखना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के दूसरे टी20 के मुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी अफगानिस्तान के कप्तान ने जीतकर आप सभी को बता दें कि पहले बल्लेबाजी चुन ली और गेंदबाजी का मौका भारतीय टीम को दिया। आप सभी को बता दें कि यहां पर गेंदबाजी का मौका तो भारतीय टीम को दे दिया और अपने आप बल्लेबाजी चुनी और टॉस भी जीती। आप सभी को बता दें कि ये सबसे बड़ी गलती अफगानिस्तान के कप्तान की रही, क्योंकि यहां पर खुद देखिएगा अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए। हालांकि उनका ये फैसला बहुत कुछ देर तक सही भी रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की उसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम इतने रनों का लक्ष्य पीछा कैसे कर पाएगी। आप सभी को बता दें कि पहले टी20 के मुकाबले में 128 रन ठोक पाए थे, लेकिन इस बार मुकाबले में दोहरा दोहरा शतक भी जड़ा इन बल्लेबाजों ने। आप सभी को लाइव दिखाएंगे किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर आप एक बार चौंक जाएंगे। हर्षदीप सिंह, आवेश खान, रवि बिश्नोई और यहां पर घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को धोने में। लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज दो दिग्गज ऐसे घातक बल्लेबाज थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर गए और दो बल्लेबाज 10 ओवर तक खेल गए जहां पर उन्होंने अपना अपना शतक भी पूरा कर लिया। आप सभी को बता दें दो बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर रवि बिश्नोई ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी से उनका जो है सपड़ा साफ कर दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहां पर 11वें ओवर तक सिर्फ अफगानिस्तान के दो ही विकेट गए थे और वो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी टिक्कर कर रहे थे, जहां पर हर्षदीप सिंह ने 11वें ओवर में एक विकेट चटकाया, जहां पर 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी एक विकेट चटका दिया। लेकिन फिर दो घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे मैदान पर आ गए जो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। वो बल्लेबाज कोई छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं है, ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और कुछ देर तक तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान इस मुकाबले को एक तरफा ही जीत कर ले जाएगा, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम ने अभी बल्लेबाजी शुरू भी नहीं की थी, क्योंकि धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसा रहे थे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने यह स्कोर कुछ भी नहीं है। हालांकि वो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और सिर्फ 5 विकेट 15 ओवर तक ही उनके जा पाए, जहां पर 16वें ओवर में एक विकेट और चटका दिया, जहां पर हर्षदीप सिंह, आवेश खान, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने 3-3, 4-4 विकेट चटका दिए, जहां पर बुमराह, सिराज भी देखकर इनकी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कांप उठे। आप सभी को बता दें कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने पहले टी20 के मुकाबले में हारने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे और वो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज अपना स्कोर काफी ज्यादा हाई लेवल पर ले गए। लेकिन यहां पर जब पूरे के पूरे 20 ओवर अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज खेल चुके थे, उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। आप सभी को बता दें कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजी पूरी तरीके से बल्लेबाजी कर चुके थे, जहां पर उन्होंने इस बार काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय टीम के सामने, जहां पर आपस में वे लोग गले मिले और काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भारतीय टीम इतने रन स्कोर नहीं चेन कर पाएगी। लेकिन जहां पर रोहित शर्मा जैसा खुकार विस्फोटक कप्तान और बल्लेबाज हो और सुमन गिल जैसा खुकार विस्फोटक 21 साल का नौजवान लड़का हो, वहां पर ये रन भी क्या करेंगे। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धमकर क्लॉस लगानी शुरू कर दी। आप सभी को बता दें कि पहले टी20 के मुकाबले में रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे तो काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे दूसरे टी20 के मुकाबले में, क्योंकि उन्हें ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना था। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में ही ये सारे रन बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन
भारतीय टीम के लिए कोई छोटा मोटा स्कोर भी नहीं था। अफगानिस्तान ने जो लक्ष्य दिया था वो काफी बड़ा लक्ष्य था। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। जब यहाँ पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अच्छी लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय टीम को पांचवें ही ओवर में काफी बड़ा झटका लग गया शुभमन गिल के नाम पर। आप सभी को बता दें कि पांचवें ओवर में भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब शुभमन गिल पांचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर कैच आउट हो गए और सिर्फ 29 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता लेट गए। आप सभी को बता दें कि जब यहाँ पर शुभमन गिल आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा और यहाँ पर रोहित शर्मा भी अकेले पड़ गए। फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी के चक्कर में आए, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू भी किया और यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। शुभमन गिल वो घातक विस्फोटक बल्लेबाज है जो इस बार सिर्फ 29 रन बना करके आउट हो गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, 21 साल का होनहार लड़का काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है और ये T20 का होनहार खिलाड़ी भी माना जाता है। यशस्वी जायसवाल ने T20 के और टेस्ट मुकाबले में भी काफी अच्छा अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन दिखाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ आते ही मैदान पर तबाही ला दी और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना लगा। जब यहाँ पर दूसरा विकेट भी चला गया यशस्वी जायसवाल का 11वें ओवर में, आप सभी को बता दें कि 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल भी पवेलियन का रास्ता देख गए, जहां पर महज 51 रन बना करके वो भी आउट हो गए। आप सभी को बता दें कि यहां पर फिर घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आए। जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए, जहां पर विराट कोहली ने तबाही लानी शुरू कर दी। विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर ढाया था कि हर किसी की आंखें चौंक गई। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। अफगानिस्तान का घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के आगे पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा रखा था कि हर किसी की जो है आंखें चौंधिया गई थी। आप सभी को बता दें कि अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे पानी भरते हुए नजर आए। आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अब लगा कि मुकाबला पूरी तरीके से चला जाएगा भारतीय पक्ष में और दूसरा भी T20 का मुकाबला हार जाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे जब 13वें ओवर में भारतीय टीम के हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। आप सभी को बता दूं सिर्फ 13 ओवर ही खेल पाए हिटमैन रोहित शर्मा और 125 रन की नाबाद पारी खेली उन्होंने, अपना शतक पूरा किया जहां 150 के करीब थे और वो भी कैच आउट का सामना कर बैठे तगड़े शॉट के चक्कर में। आप सभी को बता दूं जब रोहित शर्मा आउट हुए तो यहां पर रिंकू सिंह जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए आए, लेकिन जहां पर रिंकू सिंह हो वहां पर काहे की चिंता। रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर तबाही ला दी और खड़े खड़े महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट छक्के छक्के खेलने लगा। और रिंकू सिंह और विराट कोहली की जोड़ी ऐसी है अगर यह जोड़ी मैदान पर एक साथ है तो समझ लो कि रन तो बनने हैं। यहां पर रिंकू सिंह की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इनको सलाम ठोका, क्योंकि यहां पर रिंकू सिंह ने 14वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक डाले जहां पर हर कोई हैरान था। रिंकू सिंह की तबाही भरी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर किसी की फट रही थी। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे जहां पर 15वें ओवर तक मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। 16वें ओवर में सिर्फ 6 रन ले पाए और 17वें ओवर में विराट कोहली ने 3 छक्के और 2 चौके लगाए, जहां पर 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 4 छक्के 2 चौके लगाए, जहां पर अब 19 और 20 दो ओवर में भारतीय टीम को 50 रनों की जरूरत थी जीत के लिए, यानी कि दो ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी जो बनना काफी ज्यादा मुश्किल था हर किसी के लिए, चाहे वो भारत की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे अफगानिस्तान की टीम हो, क्योंकि यहां पर दो ओवर में 50 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि यहां पर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, लेकिन शाहरुख खान भी यानी कि किंग खान भी मुकाबला रिंकू सिंह का देख रहे थे, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देख रहे थे और खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। और यहां पर रोहित शर्मा को भरोसा था कि इस मुकाबले को विराट कोहली और रिंकू सिंह जरूर जीत लेंगे, क्योंकि एक पल में तो ऐसा लगा यह मुकाबला अफगानिस्तान की झोली में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर दो ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे, क्योंकि विराट कोहली और रिंकू सिंह थे, लेकिन क्या पता वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या दो ओवरों में 50 रन काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी इन लोगों ने की, जिस तरीके से विस्फोटक खूंखार तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की, उसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। आप सभी को बता दें जब यहां पर दूसरे ओवर की पहली बॉल डाली तो यहां पर वो खाली चली गई, तीसरी जब यहां पर दूसरी बॉल डाली वो भी खाली चली गई, जब तीसरी बॉल डाली तो 4 रन मिल पाए, यानी कि जब पांचवीं बॉल डाली तो भी 2 रन मिल पाए, यानी कि पूरे के पूरे ओवर में सिर्फ 6 रन मिल पाए। अब यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम को 6 गेंदों पर अब यहां पर 6 छक्के चाहिए थे जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से जीत पाती, यानी कि 6 गेंदों पर 6 छक्के, क्योंकि यहां पर 36 ही रन कम रह गए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए, क्योंकि 35 रन पर ड्रॉ हो जाता और यहां पर अगर 36 रन पूरे बन जाते तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लेती। अब यहां पर 6 गेंदों पर 6 छक्के कौन मार सकता है? युवराज सिंह तो यहां पर है नहीं जो मार देगा, क्योंकि यहां पर हो
भी सकता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह था। रिंकू सिंह ने किस तरीके से 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए। रोहित शर्मा भाग कर ड्रेसिंग रूम से रिंकू सिंह को गले लगा लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर तगड़ा शॉट खेला, 6 चला गया। दूसरी गेंद पर फिर तगड़ा शॉट खेला, फिर 6 ठोक दिया। तीसरी गेंद पर फिर तगड़ा शॉट खेला, फिर 6 ठोक दिया। और चौथी गेंद फिर छक्का लगा दिया। पांचवी गेंद पर फिर 1 छक्का लगा दिया। अब यहाँ पर आखिरी बॉल और आखिरी सिक्सर, अब यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आखिरी बॉल पर अब छक्के की जरूरत थी और यहाँ पर स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। अब हर किसी को लग रहा था ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम जीत ले जाएगी। अगर कहीं यहाँ पर शॉट 6 नहीं लगा तो भारतीय टीम समझो हार चुकी है, क्योंकि 4 रनों में भी कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाज जो काफी ज्यादा खुशी की जश्न मनाने लगे और नाचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इस मुकाबले को हम पूरी तरीके से जीत लेंगे। लेकिन यहां पर जो हुआ उसको देखकर आपकी भी एक बार रूह कांप जाएगी और आप भी रिंकू सिंह को दिल से सैल्यूट करोगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। आप सभी को बता दें कि यहां पर अफगानिस्तान के कप्तान ने कहकर के उस तरीके से बॉल डलवाई जहां पर जो बॉल रिंकू सिंह से लगे ना, अगर लगे तो 2-4 ही रन मिल पाए। लेकिन शायद ये नहीं पता था कि रिंकू सिंह एक ऐसा खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो हर एक पैंतरे जानता है, क्योंकि उसने सोचा कि व्हाइट बॉल डालने जो एक बॉल खाली चली जाएगी और दूसरी बॉल पर ये अड़बड़ा जाएगा। लेकिन व्हाइट बॉल पर यहां पर रिंकू सिंह ने एक तगड़ा शॉट खेलकर पीछे से बढ़कर यहां पर जो शॉट मारा है पीछे के लिए वो 6 चला गया। अब यहां पर रिंकू सिंह ने जब छक्का लगाया तो मैदान पर सनसनी सी मच गई और खुशियां ही खुशियां झूमने लगी और रोहित शर्मा भाग कर आए जहां पर उन्होंने रिंकू सिंह और विराट कोहली को दोनों को गले लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाई और शाबाशी दी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरा T20 का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत लिया है, जहां पर पूरी की पूरी भारतीय टीम में खुशी की लहर है। रिंकू सिंह विराट कोहली की वजह से इस मुकाबले को जीता गया है। रिंकू सिंह और विराट कोहली वो तूफानी बल्लेबाज हैं, वो तूफानी जलजला है जिसके बल्लेबाजी ने ऐसा मैदान पर कहर बरसाया कि अफगानिस्तान की गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा दी। घातक से घातक, विस्फोटक से विस्फोटक अफगानिस्तान का गेंदबाज रिंकू सिंह और रोहित शर्मा के आगे पानी भरता हुआ नजर आया। आप सभी को बता दें कि यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और हार के बाद भारतीय टीम पर जो गुस्से में होकर के अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा उसको सुनकर आप भी जाइएगा। आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है, लेकिन यह मुकाबला धोखे से जीत गई है। हम तीसरा T20 का मुकाबला 100% जीत कर दिखाएंगे। तो गुस्से में आकर के यहां पर रिंकू सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कहा कि हम भारतीय हैं, हम खेलना भी जानते हैं, खिलाना भी जानते हैं, और जैसा मैंने पहले जीता, जैसा हमने अपनी मेहनत ईमानदारी से दूसरा जीता, वैसा हम तीसरा भी जीत लेंगे और मैदान पर देखेंगे कौन कितने पानी में है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए।